एंड कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुक विद स्माइली शालू में। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मटर पनीर की सब्जी, एकदम न्यू स्टाइल में और काफ़ी टेस्टी डिलीशियस है, एकदम आप क्रीमी टेक्सचर है देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पनीर को ऑयल में फ्राई करेंगे और अच्छे से इसे शैलो फ्राई होने के बाद, इसका एक कलर चेंज होने के बाद, ब्राउनिश कलर में आने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। फिर हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, यहाँ पे हम 2 चम्मच तेल लेंगे और इसमें थोड़ा सा जीरा, मेथी और सरसों को कूट कर हम इसमें पाउडर बनाकर डालेंगे। जब ये अच्छे से भून जाए, जब अच्छे से पक जाए, इसमें थोड़ी सी हींग डालें। जब ये अच्छे से पक जाए तब हम इसमें अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट डालकर अच्छे से अदरक लहसुन और मिर्च को अच्छे से पका लेंगे। जब ये पक जाएंगे, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसके गोल्डन ब्राउन में इसका कलर आ जाए, तब हम इसमें कटे हुए प्याज, चॉप्ड अनियन डालेंगे। यहाँ पे हम 2 तरह के प्याज डालेंगे, एक तो यहाँ पे पीसे हुए प्याज का इस्तेमाल करेंगे हम और कटे हुए प्याज का भी। कटे हुए प्याज से क्या होगा, एक मुँह में टेक्स्चर फील होगा, मतलब जैसे प्याज का एक टेक्स्चर आएगा मुँह में, उसको बाइट करते टाइम अच्छा लगेगा। तो इसलिए हम इसको टेस्ट के लिए हम थोड़े से 1 कटे प्याज डालेंगे और 3 हम प्याज का इसे पकाएंगे। और प्याज को एकदम गोल्डन ब्राउन होने के बाद ही हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे और प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी सोख ना ले और इससे तेल ना छोड़े। तो देखिए हमारी प्याज पकना शुरू हो गई है, इसका कलर अच्छे से जब चेंज होगा तब इसमें मसाले डालेंगे। हमने यहाँ पे मिक्स मसाला का यूज़ किया जो हमने घर पे तैयार करा है, इसमें काली मिर्च, मेथी, जीरा, धनिया सभी चीज़ें मिक्स हैं। आप ये हमारे चैनल पे जाके इसे देख सकते हैं इस रेसिपी को। तो चलिए सबसे पहले इसे भून लेंगे, फिर हल्दी, उसके बाद हम हल्दी ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे। जब ये पक जाए तब हम इसमें टमाटो का प्यूरे ऐड करेंगे। हम यहाँ पे 4 टमाटो यूज़ करेंगे। अच्छे से आप टमाटो प्यूरी को, जब ये मसाले पक जाए अच्छे से पकाएंगे, उसके बाद हम टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए टमाटो प्यूरी डालने के बाद इसमें मेरे भाई ने थोड़ी सी बदमाशी करी हुई है, यहाँ पे कुछ मटर डाले हुए हैं, तो प्लीज़ इग्नोर करें, अभी हमें मटर नहीं डालने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे अच्छे से पका लेंगे। सारे टमाटो प्यूरी को हम अच्छे से डाल के इसे अच्छे से पकाएंगे। देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। और इस स्टेज पे हम इसमें नमक डालेंगे, ताकि आपको पता ही है कि टमाटर डालने के बाद नमक डालते हैं, क्योंकि इससे टमाटर हमारे अच्छे से गल जाते हैं, मतलब पक जाते हैं। तो अब हम टमाटो और प्याज के जो है कि मिक्सचर है, इसे अच्छे से हम पकाएंगे जब तक इसे तेल ना छोड़ना शुरू कर दे। तो सबसे पहले अच्छे से इसे पका ले। आप चाहें तो इसे लगातार हाथ से भूनते हुए पकाएं या फिर ढक ढक कर पकाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जल्दी से इसे पहले पका लेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़े से पानी डालकर अच्छे से इसे, उसके बाद फिर हम इसमें मटर ऐड करेंगे। तो चलिए मसाले हमारे देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मसाले कितने अच्छे से, हमने कितने सारे मसाले डाले हुए थे, हमारा जो पेस्ट था कितना, ग्रेवी हमारा कितना डिलीशियस दिख रहा है। तो इस स्टेज पे हम थोड़ा सा एक छोटे ग्लास में 1 ग्लास भर के हम इसे पानी डालेंगे। अच्छे से पहले मसाले को मिक्स करेंगे, उसके बाद हम 1 कटोरी भर के, मीडियम साइज़ के कटोरी में 1 कटोरी भर के मटर का इस्तेमाल करेंगे और मटर को अच्छे से मसाले के साथ पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद उसे 10 मिनट तक ढक कर कुक करेंगे। जब वो कुक होंगे तभी हम पनीर का ऐड करेंगे। और पनीर को याद रखें, यहाँ पे आप कच्चा भी डाल सकते हैं, चाहे तो कच्चा भी डाल सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा शैलो फ्राई करके डाल सकते हैं। शैलो फ्राई करने के से क्या होता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा। आप इस स्टेज पे चाहे तो काजू का पेस्ट थोड़ा सा डाल सकते हैं या तो फिर मूंगफली का जो पेस्ट है उसे अच्छे से भून कर डाल सकते हैं, एक नटी फ्लेवर ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मटर डाल के इसे पका लेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो वो पेस्ट डाल सकते हैं, नहीं भी चाहें तो भी ये बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मटर को 10 मिनट तक हम इसे ढक कर पकाएंगे, जिससे हमारी मटर अच्छे से पक जाए और ये पूरे सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए हमारी मटर कितनी टेस्टी और कितनी डिलीशियस लग रही है, हमारी मटर पनीर की ग्रेवी। मटर हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट मसाले को ने मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के, 1 छोटे ग्लास पानी डाल कर इसे हम ढक कर थोड़ी देर तक पकाएंगे।
पक चुकी है, अब हम इसे पनीर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट और ढककर पकाएंगे। देखिए हमारी पनीर कितनी अच्छे से, मटर पनीर बनकर कितने अच्छे से रेडी हो चुकी है, कितनी डिलीशियस लग रही। अब इसमें थोड़े से हम कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे और कटे हुए धनिया से, फ्रेश धनिया से इसे गार्निश कर लेंगे। हमारी मटर पनीर रेडी हो चुकी है, प्लेट में निकाल के सर्व कर लेंगे। आप इसे लच्छा पराठा या फिर पराठे के साथ खा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।